भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो नारायण 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 नारायण। आइए समय को बिल्कुल भी इधर उधर न चलाते हुए, लगाते हुए, न भूमिका बनाते हुए सीधे हम सब कथा मंदाकिनी में प्रवेश करें, उससे पूर्व गोविंद देव जी महाराज का स्तोत्र गान करें और फिर कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाएं। श्री सुरभ्यै नमः। श्री गोविंद देवाष्टकम्। दिव्याति दिव्य तडितं परशोभमानम् गोपाल बाल ललना परिसेव्यमानम्। गोविंद देव मनसा स्मरामि। गोविंद देवं मनसा स्मरामि। गोप्यं
विश्राम होने के बाद ये इस स्तोत्र की फलश्रुति है। ये स्तोत्र नहीं है, स्तोत्र का अंग नहीं है, फलश्रुति है। अंग भले ही स्तोत्र का है लेकिन फिर भी स्तोत्र केवल 8 श्लोकों तक है, उसके बाद में ये अंतिम उसकी फलश्रुति कही गई है। इस स्तोत्र को पाठ करने से क्या होता है, ये स्तोत्र किसके द्वारा रचित है? गोविंद देवाष्टक, ये अष्टक है, अष्टक में केवल 8 ही श्लोक होंगे, 9 नहीं होंगे। गोविंद देवाष्टकम अद्वितीयम गंगाधरेणा गहरम प्रणीतम, ये श्री गंगाधर पाठक जी के द्वारा बना हुआ है, इसलिए गंगाधरेणा गहरम प्रणीतम। और यह सेवते भीष्ट फलम अभीष्ट फलम लभेत, इसका जो सेवन करता है, इसका जो पाठ करता है, उसे मन चाहा वर, मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है। गोविंद, ये स्तोत्र कैसे प्राप्त हुआ? बोले गोविंद देवस्य, श्री गोविंद देव जी की कृपा विशेषा, विशेष कृपा से ही
यह प्राप्त हुआ है और ये यहीं से प्रारंभ हुआ है। कल की कथा में आप सबके सामने भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव वर्णन किया। भगवान होते हैं यह प्रश्न आया है और हम 3 दिन से 4 दिन से इसी बात का प्रतिपादन कर रहे हैं कि भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। अब आज की पीढ़ी को अगर ये बताना हो कि भगवान है बेटा तो सिद्ध कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं और कोई ना कोई तरीका हमारे यहां से भागवत पीठ से रोज मिल रहा है। एक और अगर महाराणा प्रताप का स्टैच्यू कोई देखे तो उसके स्टैच्यू को देखते ही कोई कह देगा कि नहीं कह देगा ये महाराणा प्रताप है? मीराबाई का स्टैच्यू अगर आ जाए तो कैसे पहचानोगे कि मीराबाई है? एक तारा हाथ में होगा। चित्र, हमारा कोई चित्र बनाए, स्केच करे, तो हमारा चित्र तो हमें देख करके ही बन सकेगा? या तो आंखों से सामने प्रत्यक्ष देखोगे तो बनेगा, या फिर हमारे को देखा हुआ है और इतनी इतनी इमेजिनेशन शक्ति है कि वह उस चित्र को आंख बंद करके भी ध्यान किया जा सके तो बनेगा। किसी ने हमको देखा ना हो और कोई हमको बिना देखे क्या बना सकता है हमारा चित्र? या तो हमको देखेगा या हमको कभी देखा हुआ होगा, उसकी इमेजिन शक्ति ज्यादा होगी तो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ठीक, तो हमारा चित्र अगर बनाया तो सदियों बाद अगर हमारा चित्र कभी निकल करके बाहर आया, हमारा स्टैच्यू बाहर निकल कर आया, तो ये प्रमाण है कि नहीं कि हमारा अस्तित्व अनुराग कृष्ण शास्त्री कभी कोई हुआ था? ये प्रमाण होगा कि नहीं? हमारा चित्र ही हमारा प्रमाण देगा, हमारी मूर्ति ही हमारा प्रमाण देगी होने का कि हम हुए हैं। अगर एक इंसान की मूर्ति और चित्र उसके होने का प्रमाण दे सकता है तो भगवान की मूर्ति और चित्र होने का प्रमाण कैसे नहीं दे सकते हैं? अगर वो था है तो उसकी मूर्ति भी है, उसका विग्रह भी है। धनुष धारण कर लेगा तो कह दोगे कि राम आ गए, बांसुरी ले लेगा तो कह दोगे कृष्ण आ गए, क्षीर सागर पे अगर शयन कर रहे होंगे तो कह दोगे कि भगवान नारायण है, विष्णु है, उनके होने का अस्तित्व बताएगा। ये शब्द चित्र है, स्वयंभू विग्रह भी प्रकट होते हैं अपने आप। तो भगवान तो है, मानो या ना मानो। एक टेलीविजन पर सीरियल भी आता था, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। उसमें हकीकत दिखाई जाती थी और कहा जाता था कि सुन करके देख करके जान करके विश्वास नहीं होता, लेकिन हकीकत में उस गांव में ऐसा होता है। आप मानो या ना मानो, किसी ने देखा है सीरियल? नहीं देखा? ये कोई है ऐसा? हाँ देखिए, बोलो एक बार, हाथ ऊपर कर दो जिन जिन ने देखा ये सीरियल, ले मानो या ना मानो। नारायण। अब सप्तम स्कंद में जो चर्चा कल चल रही थी, भक्ति की चरम सीमा प्रहलाद की, इतनी कि खंभे से भी भगवान प्रकट कर लिए, और जिस दिन से खंभ से भगवान प्रकट हुए तब से लेकर अब तक मूर्ति पूजा होना और मूर्ति बनना प्रारंभ हो गया। पहले लोग प्रकृति का पूजन करते थे, पीपल पूज लिया, अन्य अन्य कोई वृक्ष पूज लिया, धरती पूजन कर लिया, शालिग्राम का पूजन कर लिया, लेकिन उस समय से मूर्ति बनना और प्रारंभ पूजन होना हो गया। नारायण
दस अध्याय में, सप्तम स्कंद के 15 अध्याय के अंतर्गत 10 अध्याय में तो नरसिंह चरित्र है। भगवान नरसिंह की महिमा इतनी है कि अगर किसी प्रकार का किसी को भय लगता हो, घर में डर लगता हो, किसी को लगता हो कि मेरे घर को किसी ने तंत्र मंत्र से बांधा हो, भगवान नरसिंह का मंत्र है, इसका उच्चारण कर लियो, किसी ने कोई भी प्रयोग किया होगा वो प्रयोग नष्ट हो जाएगा। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजसे आविर आविर भव वज्र नख वज्रदंश कर्माशया रंध्रय रंध्रय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। ये नरसिंह मंत्र है। एक नरसिंह गाजे 70 बलाएं भाजे। मंत्र की शक्ति, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे, ये श्लोक है। हाँ आचार्य जी, किसी को आपको स्मरण है ये श्लोक? अनिल जी शास्त्र, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे भेषजे, एक श्लोक है, अब हमें स्मरण नहीं आएगा पूरा। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी, यह दूसरी लाइन है इसकी। मंत्र में वाह 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 वाह, मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देखो हमने पाठ कराया बहुत बढ़िया, अभी श्लोक उठाए, अभी पूरा नहीं ध्यान आएगा, अभी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बता रहा हूं। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, औषधि में, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञ भेषजे गुरौ, कुछ ऐसा ही है हमसे। मंत्रे तीर्थे, याद आवे तो याद करना, ये पुस्तक में हमारी लिखा हुआ है। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, औषधि में और गुरु में, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अब एक गुरु के चार शिष्य हैं, किसी को लगता है कि बाबा गुरु जी इसको बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, दूसरे को लगता है इसको कम, हमको कम करते हैं, तो तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसा ही तुमको प्रतिफल मिल रहा है। मंत्र में भी, गुरु में भी, आज द्रोणाचार्य के इतने शिष्य हैं, लेकिन अर्जुन ही धनुर्विद्या में इतना उत्तम क्यों निकल गया, जबकि द्रोणाचार्य का अपना खुद का पुत्र है अश्वत्थामा, वो भी अर्जुन की धनुर्विद्या से न्यून जानता है, जबकि एक बाप अपने बेटे को तो सब कुछ पिलाना चाहेगा। अर्जुन की भावना गुरु के प्रति, ऐसे ही हमको ये मंत्र जपते हैं तो मंत्र के प्रति हमारी भावना कैसी है, हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के प्रति भावना कैसी है। आज जो नारायण, जो केदारनाथ में घटना घटी है, कोई पूछता है कि भगवान है तो इतना बड़ा प्रलय, इतनी बड़ी प्रलय क्यों आई, जानते हो पहले के समय जब तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो तिलक करा करके, भंडारा कर करा करके, सब कुछ करके जाते थे, क्यों, ये इतनी कठिन यात्रा हुआ करती थी कि लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं। अब तो यात्रा सुलभ सहज हो गई, लेकिन धीरे धीरे सरल यात्रा जब से होने लगी, लोग गाड़ी तक लेकर के बद्रीनारायण सब जगह जाने लगे, जब तलाशी हुई बोतल निकली, कहा ये क्या कर रहे हो, बोले शंकर जी पे चढ़ाएंगे, उन्हें तो यही सब प्यारा है। तुम्हारी तीर्थ के प्रति, देवता के प्रति जैसी भावना होगी उसी प्रकार का प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा।
इसलिए सबसे बड़ा खेला भावना का ऐसा है, भावना मजबूत रखो, नहीं तो आज क्या ये करताल बजाने वाली मीराबाई जैसी नारियां नहीं दिखाई देती हैं क्या? ऐसी नहीं है लोग लगे कितनी बड़ी भक्ता है, लेकिन क्या मीराबाई जैसी उनकी चाल है, उनका जीवन है? एक ने पद कहा है सूरदास वो हुए थे और आज भी सूरदास हैं। हमारे यहां पर सूरदास किसको बोले, जो आंध्रा हो गया वो सूरदास, तो आज भी सूरदास हैं, आज भी पद लिखने वाले सूरदास हैं, लेकिन जो उन सूरदास के पद में स्वाद था वो आज मिलेगा? वो सूरदास ऐसे जो आंध्रे होकर भी ठाकुर को देख ले, धन के पीछे नहीं ठाकुर के पीछे ही भागे। सूरदास का नाम है बिलु मंगल, इनका पूर्व नाम है बिलु मंगल। एक बार ये सूरदास जन्म से अंधे नहीं है, ये आपको बता दूं। हाँ, सूरदास का जीवन तो बदला कैसे, लाग से हटकर के अनुराग में आए, संसार छोड़ा और एक बार भिक्षा मांगने के लिए जब दरवाजे पर गए और भिक्षा मिली तो तुरंत महाराज एक दो बबूल के कांटे उठाए और दो बबूल के कांटे उठाकर अपनी आंखों में डाल दिए, आंध्रे हो गए। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, बोले ये आंखें अब तक संसार में भाग रही हैं, ये आंखें अभी भी संसार को देखना चाहती हैं, तो इन आंखों का फूट जाना ही अच्छा है। और आंध्रे हुए अपने हाथों से, और एक बात लाठी पकड़ करके यही कहते चलते जा रहे हैं, वृंदावन कोई पहुंचा दे, वृंदावन कोई पहुंचा दे। रुकेगा जब इतनी दृढ़ता मन में आई, संसार तुम्हें बार बार खींचेगा अपनी ओर, और संसार नहीं खींचेगा, खींचेगा फिर तुम्हारा मन खींचेगा। संसार कभी नहीं खींचेगा, जड़ वस्तु कभी किसी को नहीं खींचती है। लोग जब ये बात कहते हैं कि संसार ने मुझे ऐसा पकड़ रखा है कि निकल ही नहीं पाता हूं, हम कई बार अपने चेले चपाटों से कहते हैं ना, अरे भाई कथा में आ जाओ, अब गुरु जी क्या बताएं, ऐसा काम धंधा ऐसा पकड़ रखा है तुमने, पकड़ रखा। अरे गुरु जी हमने कहा पकड़, लोगों ने पकड़ रखा हमको, ये संसार काम धंधा ऐसा इसने ऐसा पकड़ रखा है, कहता है आपके रहे बिना काम नहीं होगा, आपको रहना पड़ेगा बाबू आपके बिना, संसार ने हमको पकड़ लिया। बहुत बढ़िया बात, जब ये बात शिवाजी ने कही तो उनके गुरुदेव ने कहा, शिवा एक काम करिए, पेड़ की बरगद के पेड़ की शाखा दिख रही है, बोले हां गुरु जी, बोले इसको पकड़ेगा, बोले गुरु जी तो बहुत ऊंची है, बोले नीचे सीढ़ी लगा देता हूं। नीचे सीढ़ी लगाई, सीढ़ी पर चढ़े शिवाजी और चढ़ करके बरगद के पेड़ की शाखा को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो गुरु जी ने सीढ़ी नीचे से हटा दी। अब वो शिवाजी कह रहे गुरु जी गिर जाऊंगा, बहुत ऊंची है तो हाथ पांव टूट जाएंगे। गुरु जी ने कहा चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तू हाथ छोड़ भी देगा तो भी बरगद की शाखा तुझको पकड़ रखेगी। अरे गुरु जी ये ऐसी बात नहीं है, ये तो मैंने पकड़ा हुआ है तब तक बचा हुआ हूं, छोड़ दूंगा तो नीचे गिरूंगा, ये मुझको क्या पकड़ेगी, क्यों ये तो उसको क्यों नहीं पकड़ सकती। अरे गुरु जी ये जड़ है, ये मुझे क्या पकड़ेगी। गुरुदेव ने कहा बाबू जैसे ये जड़ शाखा तुझको पकड़ने की सामर्थ्य नहीं रखती है, तूने इसको पकड़ रखा है, वैसे ये संसार भी जड़ है, ये तुझको नहीं पकड़ सकता है, तूने इसको पकड़ रखा है। चेतन है, हमने पकड़ा है, हमने आसक्ति करी है। भागवत के सप्तम स्कंद में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया गया है,
बहुत बढ़िया भाव रखे गए हैं। अपने अपने धर्म को अपने अपने वर्ण व्यवस्था में रहते हुए निभाओ, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम कर्म है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण धर्म का परित्याग कभी मत करो। आप व्यापार करते हो, बोले हां व्यापार करते हैं। ब्राह्मण होकर व्यापार कर रहे हो, बोले हां कर रहे हो, कर रहे हैं, अपराध नहीं, करो, लेकिन ब्राह्मण धर्म का परित्याग मत करो। भाव ब्राह्मण अगर बने हो तो जीवन में संध्या बंधन मत छोड़ो। ब्राह्मण अगर बने हो तो यज्ञों को भी धारण अवश्य करो। ब्राह्मण अगर बने हो तो शिखा जरूर रखो। ब्राह्मण अगर बने हो तो शास्त्रों में जो ब्राह्मण के लिए कर्तव्य बताए गए हैं उनका निर्वहन करो। क्षत्रिय बने हो तो क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करो। वैश्य बने हो तो वैश्य धर्म का निर्वहन करो। और शूद्र बनाया है अगर ठाकुर ने तो शूद्र धर्म का निर्वहन करो। गृहस्थी हो तो गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए इस धर्म का निर्वहन करो। ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी धर्म का निर्वहन करो। वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ धर्म का निर्वहन करो। और सन्यासी हो अब सन्यास धर्म का निर्वहन करो। यही कर्म पंचाध्याय है। आप स्त्री हैं, स्त्री धर्म का निर्वहन करें। आप पुरुष हैं, पुरुष धर्म का निर्वहन करें। सबके अपने अपने धर्म हैं। इसका नाम ही है कर्म पंचाध्याय। मैं इसका वर्णन यहां ज्यादा करूंगा नहीं। कारण यही है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब इसको लोग मुझसे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था ये क्यों, ये सारी कैटेगरी बनाई गई है क्यों? इसलिए बनाई गई है क्योंकि अगर कोई ऑफिस है तो ऑफिस का भी अपना एक मैनेजमेंट होता है। कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का भी अपना एक मैनेजमेंट होता है। हर कोई काम, हर सारे काम हर कोई नहीं कर सकता। हमसे कोई कहे कि आप कथा भी कर लो, फिर आप हारमोनियम भी बजाओ, आप तबला भी बजाओ, आप ये भी बजाओ, आप बांसुरी भी बजाओ, आप साउंड का काम भी करो, आप कैमरे का काम भी करो, नहीं, जो जिसका काम है वो कर सकता है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। 10 काम में भागोगे तो फेल हो जाओगे। एक साध है सब सधे और सब साध है सब जा, काम बिगाड़े अपन जग में हसा। जब हम लौकिक काम में भी नियम रखते हैं तो अपने आत्मा का जो धर्म है उसमें नियम क्यों नहीं रखते? यही कर्म पंचाध्याय। जाने वाला साथ में तुम्हारे केवल एक है, वो क्या है? किया हुआ धर्म और किया हुआ कर्म, केवल यही साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, कर्मानुगो गच्छति जीव एक। और उसके पश्चात में अब अष्टम स्कंध। अष्टम स्कंध भी बड़ा सुंदर, इसमें मनवंतरों का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंध में मनवंतर है। मनवंतर किसे कहते हैं ये हम बता चुके हैं। क्यों जी, मनवंतर किसे कहते हैं, बताया कि नहीं बताया? किसी को मालूम ही नहीं होगा, याद नहीं। मनमंत्र बताया है। चारों युग जब 71 बार घूम जाते हैं तो एक मनमंत्र होता है। और प्रत्येक मनमंत्र की प्रत्येक राजा है, वो राजा का जो पद है उसका नाम है मनुपद। मनु, मनु नाम करके पद है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये पद है, ऐसे मनु भी पद है। और इन मनु पद पर अलग अलग नाम के मनु विराजते हैं। मनु के अलग अलग नाम है। कौन मनु है? स्वयंभू मनु है। एक मनु का नाम है स्वयंभू मनु, एक मनु का नाम है स्वारोचिष मनु। तो इन्हीं के नाम से मनवंतर भी है। स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर। उत्तम नाम करके मनु है तो उत्तम मनवंतर, तामस नाम करके मनु है तो तामस मनवंतर। अलग अलग मनुओं के नाम से ये मनवंतरों के नाम पड़े। जैसे आजकल के प्रधानमंत्री योजना, इंदिरा गांधी योजना,
एक एक नाम से अपने अपने नाम से योजना बना दी। ऐसे एक एक मनु ने अपने अपने नाम से मनमंत्र का नाम रख दिया। इसलिए इन मनमंत्रों में एक मनमंत्र की कथा आती है। चार तरह से जीव अपना कल्याण कर सकता है और वासना से मुक्त होकर के उपासना में स्थित हो सकता है। हम सबके सब जीव वासना में फंसे हुए हैं। वासना से निकल करके अगर उपासना में स्थित होना है तो चार उपाय बताए। सबसे पहला उपाय गजेंद्र मोक्ष का जो प्रकरण है, गजग्राह का जो युद्ध है, इस कथा से हमें एक सीखने को चीज मिल रही है। एक कथा तो सबने सुनी है, इस कथा से हमें सीखने को चीज मिल रही है। आज मैं केवल स्टोरी लाइन कह रहा हूं, व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी। एक हाथी परिवार के सहित सरोवर में जाता है। यह हाथी साधारण नहीं है, ये बता देना चाहूंगा। आज के जैसे हाथी हैं ये वैसे हाथी नहीं है। तीन तरह के हाथी शास्त्रों में बताए, एक साधारण हाथी, एक वनेला हाथी, एक गंध हस्ती। साधारण हाथी तो जो डोलते हैं, आपके राजस्थान में भी हाथी की सवारी होती है, वो साधारण हाथी। एक है वनेला हाथी, वन में जंगल में रहने वाले जो हाथी वो वनेला हाथी। और एक है उन सबके जो राजा हैं, हाथियों में भी तो एक सरदार होता है, उसका नाम है गंध हस्ती। इसके माथे से मद गिरता है, ये वो है गंध हस्ती। ये परिवार को लेकर जाता है, सरोवर में स्नान करता है। एक मगरमच्छ उसका पांव पकड़ लेता है, बचने का पहले खुद प्रयास करता है, नहीं बच पाता, तब हाथी के बच्चे अपने पिता की सूंड में सूंड लगाते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं, वो भी नहीं बचा पाते। तब अंत में जाकर के हथनियां वे भी सूंड में सूंड लगाती हैं। हाथी उस समय विचार कर रहा होता है कि मैं अपने बल पर, अपने बच्चों के बल पर ना बच पाया तो मेरी पत्नियां मुझे क्या बचाएंगी। लेकिन अंत में वो हथनियां भी हार जाती हैं। ये युद्ध जो चलता है इसमें कुछ समय तो हाथी मगरमच्छ को बाहर खींचता है, लेकिन मगरमच्छ फिर भीतर खींचता है। ये युद्ध किसका है? ये है जीवन और मृत्यु का युद्ध। ये जीवन और मृत्यु का युद्ध है। जीने वाला जीव जो जीवन जी रहा है, जब मृत्यु पकड़ती है तो मृत्यु पांव से पकड़ती है। पांव से पकड़ने का मतलब घुटने सबसे पहले कमजोर होते हैं। मृत्यु पकड़ती है पांव से, पहले ये अपना प्रयास करता है। पतंजलि योग करेगा, ये अपना प्रयास करेगा, 10 तरह की वो ट्रेडमिल लेकर के आएगा, ट्रेड करेगा। फिर अहमदाबाद के डॉक्टर विक्रम शाह के पास जाकर के जब डॉक्टर कह देंगे घुटने घिस चुके हैं, बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन भी करा लेगा। एक नहीं अनेक प्रयास करेगा, सफलता नहीं मिल रही है। कुछ समय की सफलता है, हमेशा की नहीं है। धीरे धीरे ग्राह अपनी पकड़ और मजबूत करता है, जीवन का दम घुटने लगता है। बच्चे बचाना चाह रहे हैं, पिताजी लंदन दिखाएंगे, अमेरिका दिखाएंगे, 10 तरह के बच्चे भी प्रयास कर लेते हैं। डॉक्टर भी कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और जब हर तरह से यह हारता है तो भगवान की याद आती है। एक बुढ़ापे का समय ऐसा है जिस समय बैठकर उसे भगवान का सुध आता है कि भगवान है। जब कोई सुध नहीं लेता तब भगवान की याद। लेकिन एक बात है, ये मतलबी याद है। भगवान में भी अभी दृढ़ता नहीं है। कोई कहता है साईं बाबा का झाड़ा लगवा कर आ जाओ ठीक हो जाओगे, कोई कहता है काली घाट चले जाओ मंदिर में काली मैया कृपा करेंगी, कोई कहता है सालासर हनुमान जी चले जाओ, कोई कहता है कि वो लेटे हनुमान जी खोल के हनुमान जी चले जाओ, कोई कहता है कि यहां पर काला हनुमान जी उनको चले जाओ। अलग अलग जगह भगाएंगे और अलग अलग जगह जाना होगा। कभी इनके माथा टेकेंगे, कभी दूसरे के माथा टेकेंगे,
जब दस तरफ हम जाकर के हाथ पसारते हैं तो कोई नहीं आता, क्योंकि शास्त्र का नियम है पांच वस्तु एक हो, मंत्र, माला, गुरु, इष्ट और आसन। जब पूरी तरह से थक गया इलाज नहीं होता, क्योंकि जब एक सही करने लगे दूसरा आ जाए तो पहला वाला लौट जाता है। मैं काहे को बुलाया था, संसार में भी तो नियम ऐसा ही है, अगर आप दस तरफ भागोगे तो चैन मिलेगा, और अंत में जब टूटा थका तब इसके मुंह से आवाज निकली कि मैं नहीं जानता कि कौन सत्ता है, मैं नहीं जानता किस भगवान को पूजूं, लेकिन मैं तो उन भगवान को पुकार रहा हूं जिनकी सत्ता के बिना एक फूल नहीं खिल सकता, जिनकी सत्ता के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, मैं उन भगवान को पुकारता हूं, आओ मेरी रक्षा करो, मैं मरने जा रहा हूं। जब थक गया टूट गया तब इसी पद को सूरदास कहते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, भयो ले गयो मझधारी।
गयो ले गयो मझधारे अभी तक नहीं पुकारा भगवान को, नहीं पुकारा, कब पुकारा? नाम का डूबन लागे, नाम का डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सूर्य कहे शाम सुनो शरण है तिहार बनाना अपराध नहीं है। किसी भी देवता किसी को देवता बना देना अपराध नहीं है, भगवान बना देना वो भी अपराध नहीं है, लेकिन जिनने उन्हें भगवान बनाया जिनने उन्हें देवता बनाया उसे साधारण इंसान बना देना ये अपराध है। ये बात मैंने जान करके कही है। अभी कल हम खाटू गए थे। अच्छा बता बरबरी को श्याम बाबा किसने बनाया किसने बनाया किन्ने? श्री कृष्ण ने बरबरी को श्याम प्रभु बनाया श्री कृष्ण ने। अब विचार करो जो बनाना जानता है बिगाड़ना जानता है कि नहीं? बनाने वाला बिगाड़ने की ताकत रखता है कि नहीं? लेकिन जब बना दिया जवान दे दी कि चलो देवताओं के समान तुम पूजे जाओगे कलयुग, श्री कृष्ण ने यही तो कहा। अब वो श्री कृष्ण अगर हाथ जोड़ करके श्याम प्रभु के आगे खड़े हो जाए बरबरी के आगे तो ये अपराध है कि नहीं? हमने ऐसा दृश्य खाटू में देखा जो बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ी पीड़ा हुई। संबंध देखो तो
अगर संबंध देखो तो श्री कृष्ण बर्बरीक के बाबा लगते हैं, अगर लौकिक संबंध देखो तो भी श्री कृष्ण बर्बरीक के बाबा लगते हैं, और अगर अलौकिक संबंध की बात करो तो श्री कृष्ण ब्रह्म का भी ब्रह्म है, भगवान के भी भगवान है, और वो बर्बरीक के आगे हाथ जोड़कर खड़े हों, ये चीज हमारे पल्ले तो पड़ी नहीं। अब ये दृश्य वहां पर हमने देखा एक होर्डिंग में, फिर कई जगह हमने देखा यहां श्री कृष्ण मोर पंख लगाए हाथ जोड़े खड़े हैं, अब बर्बरी क्यों बैठे? ये किसी चित्रकार ने तो चित्रकारी की होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक समय ये आएगा कि भगवान को तो गौड़ कर दिया जाएगा और भगवान के द्वारा बनाए हुए को भगवान मान लिया जाएगा, और ये हो रहा है। इसलिए ऐसे मिथ्या चित्र के चरित्र में ना पड़े। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ब्रह्म के भी ब्रह्म है। कौन है श्री कृष्ण? जिन्होंने शिव को शिव बनाया, ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया, विष्णु को विष्णु बनाया। शिवं शिवता हरि हरिता विधि दिन विदिता दई कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उस कृष्ण तत्व से भली भांति परिचित नहीं हो। हम ब्रजवासी हैं, हम रानी सती का भी सम्मान करते हैं, हम ब्रजवासी हैं, हम सालासर को भी प्रणाम करते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हम ब्रजवासी हैं, हम काली घाट में जाकर मां भद्रकाली को भी प्रणाम करते हैं, हम ब्रजवासी हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण के उपासक हैं, हम श्री कृष्ण के सखा हैं, हम श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाले हैं, हम श्याम प्रभु को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण ने उनको श्याम प्रभु बनाया है। लेकिन अगर कोई हमारे कृष्ण को नीचा दिखाना चाहेगा तो हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है, हमारे लिए केवल हमारा कृष्ण सबसे ऊंचा है। हम किसी की निंदा स्तुति में नहीं है, लेकिन हमारे कृष्ण जिनके आगे ब्रह्मा हाथ जोड़ करके नतमस्तक खड़े रहते हैं, नारायण, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हारे का सहारा भी भ्रांति है, हारे के सहारे श्री कृष्ण भी हैं, हारे के सहारे रघुनंदन श्री राम भी हैं, केवल खाटू नरेश हारे के सहारे नहीं है, हारे के सहारे तो हमारे यहां सूरदास कह रहे हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, हारे के सहारे, हारे के सहारे हमारे राम जी भी हैं। जब सुग्रीव बाली लड़ते हैं तो पहले बाण नहीं चलाते राम, लेकिन सुग्रीव जो हार मान लेता है, थक जाता है, तब राम जी के पास आता है, मारा क्यों नहीं? राम जी कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो। ये एक रूप का अर्थ क्या है? दोनों एक जैसे दिखते थे, केवल ये एक रूप है? बोले नहीं। बोले फिर एक रूप क्या है? एक रूप ये था कि बाली का शब्द रघुनंदन राम के कान में गूंज रहा था, कौन सा शब्द? समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ, ये समदर्शी वाला कान में जो गूंज रहा था, तब भगवान कहते एक रूप, क्योंकि समदर्शी रघुनाथ, और तुम भ्राता दो, लेकिन अब मैं बाली को मारूंगा। क्यों मारूंगा? बाली में अब तुम में अंतर है। बोले क्या अंतर है? अब तुम दोनों एक नहीं हो, अब तुम दोनों एक नहीं हो, एक रूप नहीं हो भाव। बोले भाव यह है कि तू अब मेरी शरणागत आ गया, शरण आ गया, और बाली अभिमान में पड़ा हुआ है, अपनी पत्नी के समझाने पर भी मेरे चरण में नहीं आ रहा, इसलिए तू शरणागत है और वो अभिमान में पड़ा है, अब नहीं कहूंगा कि एक रूप तुम भ्राता दो, वो अभिमान का रूप है और तू शरणागत का रूप है, इसलिए दोनों में अंतर हो गया। और दोबारा जब युद्ध हुआ है तभी भी राम जी ने बाण नहीं चलाया, शुरुआत में नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? लड़ रहा है, मार डालूंगा, मार डालूंगा, और बाद में जब गिर पड़ा तो कहा मर गया, मर गया। बोले बल है? बोले नहीं है, नहीं है। बोले अब तू बलहीन हो गया, तू हार मान गया? बोले हार मान गया। बोले अब मैं हारे का सहारा बनकर आ रहा हूं साथ में। तब रघुनंदन ने बाण चलाया, तो हारे के सहारे तो राम जी भी हैं,
एक नहीं अनेक भ्रांतियां। नीला घोड़ा श्याम प्रभु का, ये भी भ्रांति, घोड़े का रंग नीला है कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा, वो लीला घोड़ा है। लीला होटल सुना, लीला LEEL लीला, ये लीला घोड़ा है, नीला नहीं है, लेकिन लीला का अपभ्रंश नीला कर दिया, तो श्याम बाबा जहां विराजमान करो वही नीला घोड़ा विराजमान कर देते, इसलिए ये भी अपराध। तीसरी चीज, ये बात भी मैं आपको शास्त्र के प्रमाण पर कह रहा हूं कि बर्बरीक ने अपनी गर्दन काट करके श्याम कृष्ण को नहीं दिए, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से काट करके गर्दन ली है। बर्बरीक को मार दिया है शुरुआत में श्री कृष्ण ने, शाप लगा हुआ था पूर्व का ब्रह्मा का, उस शाप से मुक्ति कराई है, और बाद में जब देवियों ने प्रकट होकर के कहा कि हमने अमरता का वरदान दिया है, इसको जिंदा कर दीजिए, तो कहा जिंदा कर दूं, तो कहा नहीं नहीं पूरी तरह जिंदा मत करना, नहीं तो आपके सुदर्शन की मर्यादा चली जाएगी, तो क्या करना है? बोले केवल इसके शीश को अमर कर दीजिए। तो भगवान ने इसके शीश को अमर किया और कहा देवताओं के समान तुम्हारी संसार में पूजा होगी।